श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम का अब दूसरा दौर शुरू हो रहा है। टी20 मुकाबला जीतने के बाद तीन वनडे मुकाबलों की श्रृंखला आज से शुरू होगी। ऐसे में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको लगभग एक महीने के बाद एक्शन में नजर आएंगे। आपको याद होगा 29 जून जब टी20 विश्व कप भारत ने जीता था, तब कोहली रोहित साथ में नजर आए थे और अब श्रीलंका दौरे पर ये नजर आएंगे। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन गौतम गंभीर के कहने पर श्रीलंका दौरे पर ये दोनों ही खिलाड़ी उपलब्ध रहे। रोहित शर्मा और विराट के अलावा भी केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पर निगाहें होंगी, जिनकी अब टीम में वापसी हो चुकी है। इसके साथ साथ कुछ युवा भी हैं जिन्हें मौका मिलेगा, जैसे कि हर्षित राणा और रियान पराग, इन दोनों को भी टीम में शामिल किया गया है। टी20 श्रृंखला जीतने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर की अब दूसरी जिम्मेदारी है वनडे श्रृंखला जीतना, क्योंकि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है जिसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। हेड कोच गौतम गंभीर अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने टी20 में देखा कि 11 में से 8 बॉलर नजर आ रहे थे और 8 के 8 बल्लेबाज भी नजर आ रहे थे, तो क्या उसी रणनीति पर चलेंगे या फिर उसमें बदलाव करेंगे। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो श्रीलंका के मैदान हमेशा से स्पिनर्स को रास आए हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट नजर आया है, लेकिन सेकेंड इनिंग में विकेट हमेशा बेहतर हो जाता है। तो टॉस जीतकर दोनों ही कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। दोपहर के समय मुकाबला शुरू होगा तो चिलचिलाती धूप भी होगी, जिसने बचने की कोशिश की जाएगी और पहले गेंदबाजी का फैसला किया जाएगा। भारत की ओर से तेज गेंदबाज हर्षित राणा को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। अब केएल राहुल विकेट कीपिंग के बल्लेबाज के तौर पर होंगे या ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी गौतम गंभीर के लिए। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की टीम 3-0 से श्रृंखला हार चुकी है। जल्दी से कोलैप्स हो जाने वाली दिक्कत इनको सामने आ रही है। आपको याद होगा पहले टी20 में 31 रन पर की टीम के 7 विकेट गिर गए, फिर 30 रन पर, फिर 27 रन पर, तो ये चीज़ इनको अब देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ महीनों का वक्त बचा है। एक बार फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको एक्शन में नजर आएंगे, गौतम गंभीर कोचिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले टेस्ट में तो गंभीर पास हो चुके हैं, लेकिन क्या रोहित की जो द्रविड़ के साथ जुगलबंदी थी वो नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कोहली और गंभीर के रिश्ते कैसे होंगे, ये तस्वीरों में तो खुशनुमा दिख रहे हैं, अब मैच के बाद का क्या हाल होगा आप हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।